जय श्री कृष्ण। आओ। हाय मम्मी। मैं भी। अरे मुकु। मैं भी। थैंक यू। अरे लीलू डार्लिंग, कम ऑन। अरे रहने दो दीदी, मत जाओ, टेबल टूट जाएगा। बैठ लो। जय श्री कृष्ण बापूजी। वाह, बापूजी कह रहे थे कि घर में सब उदास हैं, फिर ये अचानक से क्या हुआ? जो हुआ है अच्छा हुआ है। हाँ वो तो है। अरे पर हुआ क्या है? सुबह तो मुंह लटक के फ्लोर पे टच हो रहा था, अभी अचानक से कौन सा गिफ्ट मिल गया जो इतनी खुश हो रही हो? नया फोन मिला है क्या? नहीं। तो फिर पॉकेट मनी डबल हो गई क्या? नहीं, गैस करो। अरे बताना क्या हुआ है। हाँ पाकी बेटा, अब बता भी दो। कोई रीजन भी है? ओह माय गॉड, ओके देन। अरे पड़ोस वाली दादी हार्ट अटैक से मर गई थी और मैं सस्पेंस से मर जाऊंगी। बताना क्या हुआ है। बताती हूँ, एक मिनट। थैंक यू। तो आज सुबह से मैं बहुत उदास थी। हाँ पता है। आगे बताओ। पर मेरे पापा है ना, मेरे हीरो, इन्होंने सब ठीक कर दिया। तो पापा मुझे फर्दर स्टडीज के लिए यूएस भेज रहे हैं, अमेरिका। यूएस। Oh my God! Congratulations, soul sister. Thank you. मैं यूएस जा रही हूँ। I know आप लोग सब सोच रहे होंगे कि पाखी यूएस जा रही है, अकेले जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी। But don't worry, मुक्कू है ना, मुक्कू के वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत कनेक्शंस हैं, तो वो पाखी को वहाँ सेटल करने में हेल्प कर देगी, है ना मुक्कू? Of course, नेकी और टेल मामा जी, नेकी और पूछ। मैंने कहा था कि स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करना, बट पापा ओके हैं तो ठीक है। मम्मी, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पापा सब कर देंगे। यूएस जाके पढ़ने का मेरा सपना था, पर वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस समय हमारे हालात ऐसे नहीं थे। मुझे लगा कि मेरा सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर अब पाखी मेरा सपना पूरा करेगी। पाखी बेटा, तुझे मेरे हिस्से का सपना भी जीना है और अपनी जिंदगी भी। हाँ पापा। विंटर, मैं यूएस जा रही हूँ, यूएस। तुझे पता है, मुझे तो लग रहा था कि मेरी सारी फ्रेंड्स चली जाएंगी और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, पर अब मैं भी यूएस जा रही हूँ। आई कांट बिलीव दिस, मेरे अमेरिकन ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। हॉलीवुड, डिज्नीलैंड, अमेरिका। थैंक यू पापा। तू नहीं जाएगी। मम्मी प्लीज, पापा ने हाँ बोल दिया है। लेकिन मैं ना बोल रही हूँ। मम्मी आप हर बार मुझे क्यों मना करते हो? और स्वीटी, मिस्टर शाह, मैं स्वीटी से इस बारे में बात कर चुकी हूँ, उसे समझा चुकी हूँ, एक तरह से मना भी कर चुकी हूँ, पर आपने तो मुझसे बात किए बिना ही, तुमने मुझसे बिना पूछे ना कह दिया, तो मैं हाँ कहने से पहले तुमसे क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैं अब भी इन बच्चों की माँ हूँ। और मैं अभी भी इन बच्चों का बाप हूँ। मुझे इनकी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। लेकिन सिर्फ आपका हक नहीं है। मैं फैसला ले चुका हूँ। तो आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। स्वीटी अमेरिका नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? प्रॉब्लम क्या है? हाँ। मैं अमेरिका इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बापूजी की सैलरी कम थी। तोशु अमेरिका इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरी सैलरी कम थी। लेकिन अब जब मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो मेरी बेटी यूएस क्यों नहीं जाएगी? एग्जैक्टली। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी यूएस में पाकी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी और एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा सपना टूटा, तोशु का सपना टूटा, लेकिन पाकी का सपना नहीं टूटेगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। इनफैक्ट भाई जो है उनके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, है ना भाई? अगर पाखी के पास यूएस की डिग्री होगी ना तो वो कहीं भी सेटल हो सकती है, उसे कोई भी जॉब मिल सकता है। एग्जैक्टली। राज का डिसीजन बिल्कुल सही है। और पाखी, मुको प्लीज। ये हम माता पिता के आपस की बात है, कोई और बीच में नहीं बोल रहा है। प्लीज। सॉरी, कोई बात नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। बेटी पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, यूएस जाना चाहती है, तो हम उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बने? और कौन सी ये पहली बच्ची है जो बाहर पढ़ने जाएगी? साल में हजारों बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। वही तो, पढ़ने जाते हैं। और ये क्यों जा रही है? क्योंकि इसकी सहेलियां जा रही है। मिश्रा शाह, बात ये नहीं है कि स्वीटी को अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं, बात ये है कि स्वीटी को अभी इस वक्त अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं। आपने इसकी बातें सुनी? सुना ये क्या कह रही थी? वो अमेरिकन ड्रीम, घूमना फिरना, दोस्त, हॉलीवुड, वो डिज्नीलैंड, ये सब। इसने एक बार भी अपने भविष्य के बारे में बात की, पढ़ाई के बारे में बात की, कॉलेज तक के बारे में बात की? एक बार भी इसने कहा कि बापूजी का नाम रोशन करेगी, तोशु की तरह फर्स्ट आएगी, आपकी तरह मेहनत करेगी? कहा इसने? बताइए, कहा इसने? मम्मी, अब पढ़ने जा रही हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई तो ऑब्वियसली करूंगी ना। बेटा, यहाँ तेरे पीछे पढ़ पढ़ के तुझे बोल बोल के पढ़ने बिठाना पड़ता है, और वहाँ तू बिना कहे ऐसे अपने आप पढ़ने बैठ जाएगी, और वो भी तब जब कोई वहाँ देखने वाला नहीं होगा, तेरे पीछे पढ़ने वाला नहीं होगा, तुझे रोकने टोकने वाला नहीं होगा। बता। गॉड मम्मी, आप लड़कियों के आगे बढ़ने की, उड़ने की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। और मम्मी, आप ना शायद भूल रहे हो, पिछले टर्म में मैं फर्स्ट आई थी। स्वीटी, उड़ान वो होती है जो लक्ष्य पे जाके रुके। तेरा लक्ष्य क्या है? हाँ, चल तू मुझे तेरा लक्ष्य बता, और कान्हा जी की कसम मैं तुझे उस तक उड़ने के लिए जरा भी नहीं रोकूंगी। बता, बता ने तेरा लक्ष्य क्या है बेटा? वो मैं जहाँ मंजिल पता हो ना, वहाँ रास्ता अपने आप बन जाता है। समर पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर उसे अपना लक्ष्य पता था। तोशु को अपना लक्ष्य पता था। तुझे अपना लक्ष्य पता करना है। तुझे अभी तय करना है कि तू जिंदगी से चाहती क्या है, तेरी मंजिल क्या है। ऐसे बिना मंजिल पता किए दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, तो बहुत जल्दी थक के हार जाएगी। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की चाह अलग होती है, काबिलियत अलग होती है, सपने अलग होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो कोई कलाकार बनना चाहता है। लेकिन तू स्वीटी, तू तो अभी तक वही सपने देख रही है जो तूने अपने दोस्तों से उधार लिए हैं। सपने देख, जरूर देख, और सपने सबको देखने भी चाहिए, लेकिन अपने खुद के सपने देखने, उधार के नहीं। बच्चे जैसे इम्तिहान में सामने वाले की कॉपी में से अपने कॉपी पे जवाब उतार लेते हैं, वैसे ही जाने अनजाने में कई बार दोस्तों की मन की बात को अपने मन की बात समझ लेते हैं। और वैसे भी आजकल दुनिया में इतना शोर है, इतनी आवाज़ है, वो साथ वाले बच्चों ने कुछ कह दिया, बाजू वाले अंकल आंटी ने कुछ बोल दिया, और वो इंटरनेट पे बच्चों ने कुछ पढ़ लिया, किसने क्या क्या बोल दिया। बच्चे वही आवाज़ सुनते हैं जो सबसे ऊंची होती है और उसे अपने मन की बात समझ लेते हैं। पर कामयाबी दूसरों की बात सुनने से नहीं मिलती, अपने मन की सुनने से मिलती है। इसलिए अपने मन की बात सुनना सीख स्वीटी। इसलिए अपने मन को टटोल, देख तुझे कहाँ खुशी मिलती है। पहले तय तो कर कि तुझे जिंदगी में करना क्या है स्वीटी। ऐसे ही निशाना साधे बिना अगर तू तीर चलाएगी तो बस हवा में तीर चलाती रह जाएगी और हासिल कुछ भी नहीं होगा। सुन, एक बार तूने अपना मन बना लिया, तय कर लिया कि तुझे क्या करना है जिंदगी में, तो उसके बाद देखना तेरी ये माँ कुछ भी करेगी लेकिन तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहेगी। ये मेरा वादा है। अपने पापा की तरफ मत देख। तू अमेरिका तब तक नहीं जा सकती जब तक तू ये साबित ना कर दे कि तुझे पता है कि तुझे जीवन में करना क्या है। समझी? मैं गलत कह रही, बताइए। तो सुने, तुझे स्कॉलरशिप के बारे में कहा ने, मैं भी वही कहूंगी। पढ़ाई कर, मन लगा के पढ़ाई कर, स्कॉलरशिप जीत, साबित कर, और फिर तुझे जहां जाना है उसके बारे में हम बात करेंगे ना। ओ बेटा, फाइन, ऑल द बेस्ट। कई बार मन गलत चीज की जिद करके बैठ जाता है, तब भी मन को समझा लेना चाहिए, वरना बाद में अगर जिंदगी समझाती है ना तो बहुत दर्द होता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।